वेलकम टू दी जी चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर पहुंच चुके हैं और वो सामने बॉर्डर है, ये पहुंच गए हम चाइना बॉर्डर। पीछे बोल रहे हैं गाड़ियां रुक गई हैं और हम पहुंच चुके हैं चाइना। अभी जरा यहाँ पे ठंड बहुत है और फैशन के लिए मैंने जो है वो जैकेट ज़रा फैशन भी पूरा कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे आने के लिए हमें 3 से 4 दिन लगे हैं, ठीक है, जो ट्रैवलिंग के टोटली 3 दिन लगे हैं जो हमने पिशावर से किए हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? नी हाउ? नो, आई एम कोरियन। कोरियन? सो हाउ वाज योर फीलिंग? एक्सक्यूज मी सर, हाउ वाज योर फीलिंग? Very good. Very good. Pakistan is a very good country. Is it a safe country? Zindabad. Pakistan Zindabad. Yeah! Abhi hum bajayega na video. हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हमजा में पहुंच चुके हैं और हमजा में पहला दिन है, रात को लेट नाइट पहुंचे थे। अभी जैसे मैं उठाऊँ और उठते साथ ही कमरे से बाहर देखा तो ये सीन था। ऑसम। हालांकि रात को यहाँ पे होटल नहीं मिल रहा था बट रूम मिला है यहाँ पे। काफ़ी अमेजिंग जो है वो व्यू है सुबह उठने के साथ ही। यहाँ पे जो है वो यहाँ से व्यू देखा था यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम रमन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसी रही है रात? हाँ, रात ऐसी गुजरी जैसे सहर ही ना हो। अभी बस चेंज करने लगे हैं और चेंजिंग के बाद हमने जाना है आदाबाद लेक और उसके बाद हमारा प्लान है अगर टाइम से अगर हम फ्री हो गए तो हम जाएंगे कहाँ पे? चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर आज की जो है वो ड्रेसिंग है ब्लैक पेंट वाइट शूज़ शर्ट की बदली हुई थी और वाइट शर्ट। हाँ जी भजन मेरे हैं ये वाले, कोई बात नहीं है, ये 2-in-1 है, ठीक है। अभी हम खुद पहनेंगे और बाद में आपको गिफ्ट कर देंगे। ये जी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए हमजा में, हमजा बाजार की तरफ जा रहे हैं। बहुत अलग है भाई यार। ले जी नाश्ते का ऑर्डर दे दिया हुआ है, अभी नाश्ता तैयार हो रहा है और नाश्ते में मैंने पराठे करवानी है और साथ में जो है वो चने और नियारी। ये पराठे तैयार हो रहे हैं, ये चने हैं और ये नियारी है। नाश्ता आ गया हुआ है और नाश्ते के बाद भी प्लान है फौरन निकलने का। ये यार हमजा बाजार है और अभी यहाँ से नाश्ता किया है, अभी मेडिकल स्टोर वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे कोई, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। रात को तो नहीं पता चलता इन जगहों का, रात को भी हालांकि यहीं पर हमने डिनर किया था बट खूबसूरती तो सुबह ही नजर आई। ले जी प्लान हैज बी चेंज नाउ, अब हम जो है आदाबाद झील नहीं जा रहे, अब हम जा रहे हैं खुंजरा पास यानी कि चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। वहाँ पे किसी ने जी कुछ बताया हमें कि यार वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, इसलिए फिर अब हमजा पहले जा रहे थे लेक देखने के लिए, अब वो लेक नहीं जा रहे, वो कल का प्लान है, अगर कल भी हो सकता है ना जाए क्योंकि प्लानिंग हमारे दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। ये दो पीछे बैठे हैं मास्टर प्लानर। आदाबाद लेक, आदाबाद लेक से आगे निकलने के इरादे थे खुंजरा आपके, लेकिन चूंकि हमारे दोनों ड्राइवर जो है वो लेट उठे हैं, 1 बजे हम निकले हैं, तो 1 बजे अगर आप निकलते हैं उसके बाद अगर आप आदाबाद लेक कहीं भी आप स्टॉप लेते हैं तो आप एंट्री नहीं कर सकते खुंजरा की तरफ, आपने 3 बजे पहुंचना होता है एंट्री के लिए एंटर पास पे। व्हाट अ व्यू यार, अमेजिंग अमेजिंग माशाल्लाह, क्या कुदरत है यार मेरे सोने रब की। पहाड़ चेक करें, उसके ऊपर बादल चेक करें, बर्फबारी चेक करें, ये खुश्क पहाड़ चेक करें, ग्रीनरी चेक करें, क्या क्या कुछ है यार एक ही मंजर में, सुभान अल्लाह अमेजिंग। हल्का हल्का बारिश का मौसम हो गया हुआ है और
उम्मीद है कि आगे भी बर्फबारी हो रही होगी। अभी तो जा रहे हैं, देखें बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है चाइना बॉर्डर पे, क्या सिनेरियो है। ये हुंजा में पासू है, पासू का मकाम है। को हम बताते जाएं कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने पे जो है हम अपने 10 सब्सक्राइबर को ड्रॉ के जरिए जो है चीजें लेके आएंगे, चाइना भेजेंगे इसी रास्ते से, इसी रास्ते से। क्योंकि जब तक होंगे, जब तक हमारे ए टू जी जो है सारा खर्चा हमारी तरफ से होगा। ऐलान कर दिया खर्चा हमारा एंजॉयमेंट, आप बस सब्सक्राइब करते जाएं। गाड़ी रोकी अभी हमने यहाँ पे, ये गेट है, इसके बाद फिर चाइना बॉर्डर की दूध जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे अपनी गाड़ी की एंट्री वगैरह करवा रहे हैं, ये खड़े हुए हैं बंदे, खड़े हैं जिन्होंने हमें चेक चेक करके आगे भेजना। बाकी टारगेट था कि हम गेट बंद होने से पहले पहुँचे, और ऑलमोस्ट जो है वो गेट बंद होने से पहले हम आ गए। गेट अभी बंद नहीं हुआ जी। सईद भाई ये उसकी थी, सफ़ीर की थी ना, आपकी नहीं भेजी अभी। ये आ रहे हैं रोमी भाई एंट्री वगैरह करवा के, सर्दी बड़ी है यहाँ पे। हेलो रोमी भाई, एंट्री हो गई है, एंट्री हो गई बिल्कुल आखिरी मिनट में, 3 बजे के बाद यहाँ नहीं छोड़ते, और इस टाइम वक्त टाइम है 2:59। वाह जी वाह, मार्का मारा जी मार्का इन्होंने। ये जी अभी हम वहाँ से एंटर हुए हैं, यहाँ पे दोबारा से इन्होंने रोक लिया, आईडी कार्ड से एंट्री वगैरह हो रही है हमारी। अमेजिंग यार, अल्हम्दुलिल्लाह स्नो फॉलिंग हो रही है। अभी ये चाइना के बॉर्डर के पास ही आ गए हैं, पर हम रुक गए हैं। सफीर भाई क्या कहेंगे, जबरदस्त पैसा यार, पैसे वसूल हो गए हैं। ये देखें जी गाइस, स्नो फॉलिंग हो रही है और हम इस टाइम पे रोड पे गाड़ी रोक के स्नो फॉलिंग को एंजॉय कर रहे हैं। ये मैं हूँ और ये हमारी कार है, स्नो फॉलिंग हो रही है और हम पार्टी कर रहे हैं। ये वीडियो तो हमने बना ली है, थोड़ी सी कैप्चर कर ली है, अब आगे जा रहे हैं, आगे जाके भी सीन उम्मीद है इससे भी ज्यादा अच्छे होंगे। इसे व्यू चेक करें हमें, अमेजिंग, और इधर भी चेक करें। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल यहाँ है। ये जी हम थोड़ा सा दूर बस चाइना बॉर्डर से हैं, पर कैसी कुदरत है अल्लाह की, ये चीज चेक करें, व्यू चेक करें कैसा कमाल का व्यू है। इटली जो है वो मेरे दांत जो है ना वो आपस में लग रहे हैं। ये व्यू चेक करें, क्या व्यू है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह पे आके थकन क्या भूल गए हैं, अब यहाँ से पता नहीं वापस जाने का भी दिल करता है कि नहीं करता। यार सर्दी बहुत है इस टाइम पे जो है वो काम पर। ये देखें ये गाड़ियाँ आ रही हैं, हम भी इधर से ही आए नीचे से, स्नो फॉलिंग हो रही है, मज़े आ रहे हैं, ठीक है, फुल टाइम मज़े आ रहे हैं, फुल टाइम। नहीं भाई नहीं रीस यहाँ पे चाइना बॉर्डर छड़ के रास्तों की नहीं रीस। इतने प्यारे मंजर हैं जिसका कोई हिसाब नहीं।
सारी साइडों पे जो है बर्फ पड़ी हुई है, अभी स्टिल बर्फबारी हो रही है। ये वाले मौसम की वैसे तवक्को तो नहीं थी हमें, बट यह है कि ये मिल गया अल्लाह की तरफ से। अभी माँ वापस जा रही है और हम जा रहे हैं अभी जाए गोवा पे। ये चीज मैंने कहीं पे भी नहीं देखी, ये चीज नहीं मिली मुझे कहीं पे भी। अमेजिंग। इससे पहले ये देखें फॉग भी है और सारी चीजें साथ साथ ही चल रही हैं, बड़ा जबरदस्त है। देखिए रोमी फॉग भी हो गई है। ये बाहर से भी देखें, बाहर का व्यू तो मेरे राइट साइड का व्यू है। वेलकम टू दी जी चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर पहुंच चुके हैं और वो सामने बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर है और अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली हम पहुंच चुके हैं चाइना बॉर्डर। बट बर्फबारी काफ़ी हुई है यार। फाइनली बॉर्डर पहुंच चुके हैं और क्या ही व्यू है, अमेजिंग व्यू है। ये देखें, ये पहुंच गए हम चाइना बॉर्डर। ये पीछे बॉर्डर है, गाड़ियां रुकी हुई हैं और हम पहुंच चुके हैं चाइना बॉर्डर। अभी ज़रा यहाँ पे ठंड बहुत है और फैशन के लिए मैंने जो है वो जैकेट उतार ली है। मैंने कहा ज़रा फैशन भी पूरा कर लें और अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे आने के लिए हमें 3 से 4 दिन लगे हैं, ठीक है, जो ट्रैवलिंग के टोटली 3 दिन लगे हैं जो हमने पेशावर से किए हैं यहाँ पे पहुँचने के लिए। ये अमेजिंग जगह पे सबको सजेस्ट करूँगा कि मैं एक दफ़ा ज़रूर आए, हर एक साल में टाइम निकालें और चाइना बॉर्डर आएँ। हम तो पहुँच गए, आप लोग भी आ जाएँ, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई मुश्किल रास्ता नहीं है। इजी ये है, आप आएँ अपने फैमिलीज के साथ आएँ, और अगर आपने फैमिलीज के साथ नहीं आना तो ग्रुप में आ जाएं। अगर ग्रुप में आते हैं तो आपको इतना महंगा भी नहीं पड़ता। ज़रा पहन लें जैकेट, फैशन शो ख़त्म हो गया है, ठीक है, और फैशन शो ख़त्म हो गया इससे पहले कि बीमार हों। यहाँ पे 0 से भी कम टेम्परेचर है, मैंने दोबारा देखा नहीं है। बाकी इधर टाइम हो गया है 4:45, ठीक है, 4:45 का ये व्यू है। आगे बॉर्डर तक जा रहे हैं, हमने कहा ज़रा वो भी देख लें उसका क्या सीन है। रोमी, यस, बताओ यार कैसा लगा है 3 दिन के बाद यहाँ पे पहुँच के? यार यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है, ये तो स्नोफॉल पहले सुना था, मई में भी स्नोफॉल यहाँ पे हुई है। अच्छा, पिछले साल। अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। लेकिन बोला नहीं जा रहा। बोलो। ऑक्सीजन भी कम है, इवन थोड़ी देर के लिए मैंने अपनी सांस होल्ड करके रखी तो मुझे थोड़े से चक्कर भी आए, तो अब मुश्किल है यहाँ खड़ा होना। यहाँ मतलब मई तक अगर आप आते हैं तो ग्लव्स और स्वेटर वगैरह ये लाजमी चीज है। सफीर भाई आ गए, सफीर भाई कैसा लगा यहाँ पे आके 3 दिन के बाद? पैसे पूरे हुए हैं? डबल हो गए। तो क्या कहेंगे आप दोनों, यहाँ पे आना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, ये भाई भी कह रहे हैं आना चाहिए। आना चाहिए, मौका मिलता है तो फर्स्ट टाइम इधर ही निकले, बाकी छोड़े टाइम है, अगर आपके पास 5 दिन है तो इधर निकले। सही, ये चाइनीज है और ये है पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो सर, हाउ आर यू? नी हाउ
No, I'm Korean. Korean? Yes. Very good. Very good. Pakistan is a very good country. Is a safe country? Zindabad. Pakistan, Zindabad. ये थे जी हमारे कोरियन, मैं इनको चाइनीज समझ के नहीं हॉप कर रहा था कि क्या हाल है, बट ये है कि इन्होंने जो है वो कहा कि मैं कोरियन हूँ, बट ये है कि इन्होंने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को। और यहाँ पे सारे बॉयज़ भी हैं, ये देखें सारे ग्रुप्स आए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह के, और हम भी किसी ज़माने में कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, बट हमें जो है वो कभी ऐसी चीज़ें नहीं विजिट करने के लिए मिली। मेरे साथ बंदे थे, वो किधर गए हैं? वो भीड़ में खो गए और मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ, और वो यहाँ पे है। ले जी, इसी के साथ ही वापसी कर ली हमने। इंशाल्लाह ताला ये व्लॉग आपको पसंद भी आएगा। अभी व्लॉग एंड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी वापसी है, आज का जितना भी ट्रैवल है इसी व्लॉग में मैं दिखाऊंगा, ठीक है? ये देखें, ये राइट साइड पे मेरे राइट पे कैसा व्यू है, आउटस्टैंडिंग व्यू है। वापसी होने लगी है हमारी, इस्लामाबाद यहाँ से है 857 किलोमीटर इस्लामाबाद यहाँ। ये यार वापसी में हम जा रहे हैं यहाँ से, तो क्या व्यू है यार, यहाँ पे अमेजिंग है कि उसके सिम के सिग्नल भी आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है सामने से, ज्यादा तेज नहीं जाएंगे, गाड़ी आ रही है सामने से। रमन भाई ने हमें बता दिया है, थैंक फॉर रमन भाई। हम यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी उधर को करेंगे ताकि ये भाईजान गुजर जाएं, अगर ये ड्राइवर हैं तो यकीनन गुजर जाएंगे, और ये इन्होंने अपने ड्राइविंग का सबूत हमें दे दिया। जब पंजाबी निकलते हैं ना फिर ये ऐसे होता है, ये ये ले 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 मजा ले 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 मजा ले। चाय के लिए रुके थे, बहुत सर्दी है यार, यहाँ पे चाय बना रहे हैं पर सर्दी बहुत है। मैं लिटरली अंदर आके बैठा हूँ और अब ये पहनने लगा हूँ यार, ऊपर तो था तकरीबन -6-7, यहाँ पे भी -2-3 हो गया, शाम का टाइम हो गया ना, अब मैं ये कपड़े पहनता हूँ ताकि भर जाके चाय पी सकूं। पैंट के ऊपर पैंट पहनी जा रही है। अच्छा, ठंड बहुत, डबल पैकेज। हाँ ठंड बहुत है, बस स्टाइल सुन पूरे हो गए, अब जान बचाए तो ना। चलो जी, चाय हमारी तैयार हो गई है, ये चाय डाली जा रही है कपों में, और एक सेकंड के बाद ये ठंडी भी हो जाएगी। अल्लाह आपको इसका अजर दे, अल्लाह आपको इसका अजर दे। बिस्मिल्लाह, क्या बात है यार, another star, you fade away, afraid our aim is out of sight, wanna see you alive. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Adrian maar gaye hain paas mein, उधर से बॉर्डर से नीचे उतर के पासों में है, गेस्ट हाउस है, और यहाँ पे स्टे है जो हमारा, और कुकिंग शुकिंग का हमारा खुद का था माइंड, ठीक है? ये सफीर खड़ा हुआ है जो हमें आगे वेलकम कर रहा है। इंसान क्या कर रहे हैं, आज किचन की ड्यूटी इनके हवाले है, पकड़ते हैं इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हो रहा है यार? कुछ नहीं हो रहा, सारा दिन आज जरा ट्रैवलिंग में रहे हैं। अच्छा, वो जरा आज अच्छा सा बना रहे हैं। क्या आलू, आलू बन रहा है? नहीं, चिकन बन रहा है, बड़ा बेहतरीन बन रहा है, पठानी स्टाइल में बना रहा हूँ चिकन, ना इसमें इतने के नमक का मिर्च है। अच्छा, ये बहुत ही कमाल है।
तो आ गया इसका फॉर्मूला, सिर्फ नमक और मिर्ची वगैरह जी। नमक के बाद ये जो मैंने पहले प्याज को थोड़ा सा सजा दी है, ठीक है जी जी। और ये टमाटर वगैरह भी काट के रख दिए साथ में मिर्ची। अच्छा, इसका मतलब इसमें हम बनाएंगे ये स्पेशल पठानों वाली कढ़ाई बन रही है। और ये भी मैंने कर दिया, अब आप आ ही गए हैं, मैंने कहा आपको सारी चीजें दिखा। चलिए ठीक है। और ये चिकन निकाला मैंने, मतलब ये मनफी यहाँ पे दर्ज हरारत है, तो मनफी दर्ज हरारत में आज हमारे मजे होने वाले हैं, क्योंकि फुल टाइम की भूख लगी हुई है। ये जो है वो रिजॉर्ट है, ठीक है, थैंक यू टू रहमान भाई एंड जिसने हमें ये रिजॉर्ट में एक दिन ठहरने का मौका दिया, अमेजिंग व्यू। वेलकम इंशाल्लाह जी। खाना हमारा रेडी है और खाने की जो है ये सूरत हाल है, ये आपके भाई ने बनाया और दिल से बनाया। अभी हमने टेबल पे बैठ के खाना था, बट सर्दी इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं, बाहर बैठा नहीं जा रहा, तो खाना ट्राई करते हैं कैसा है कैसा नहीं। जी अमन भाई कैसा लगा? बुशारत पुत्र मजा आ गया। बुशारत पुत्र के मुबशर पुत्र, मुबशर पुत्र मजा आ गया। खाना शाना खा लिया है और उसके बाद अभी चाय बनी है, मैं नहीं पी रहा और मैं सोने लगा क्योंकि आज काफ़ी जो है वो ट्रैवलिंग है और सुबह भी हंजा वगैरह जाना है और फ्रेश होना लाजमी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।